घोसी उपचुनाव का स्टार प्रचारक नवरतन जब साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा तो हो गया हंगामा। नवरतन को देखते ही अखिलेश यादव हो गए गदगद। पहले अखिलेश यादव ने नवरतन से पूछा उनका हाल और फिर गले से लगा लिया। घोसी उपचुनाव में नवरतन ने राजभर की बजा दी थी पुंगी। नवरतन के साथ ही घोसी के नव निर्वाचित विधायक ने भी अखिलेश यादव से की मुलाकात और मुलाकात में देखिए किन किन मुद्दों पर हुई बात। ये तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, तस्वीरों को देखकर आप ये न समझे कि ये कोई मामूली बच्चा है। ये मामूली बच्चा नहीं बल्कि सबका उस्ताद है और इस उस्ताद ने घोसी के उपचुनाव में सपा के स्टार प्रचारक के तौर पर ऐसा समा बांधा था कि सुनने वाले हैरान रह जाते थे और विरोधी रास्ता बदल लेते थे। जीत के बाद जब पहली बार नवरतन अखिलेश यादव से साइकिल पर सवार होकर मिलने पहुंचे तो फिर हंगामा ही हो गया। सपा के इस फैन को देखकर अखिलेश यादव जहां गदगद थे तो वहीं नवरतन भी उनसे मिलकर फूला नहीं समा रहा था। नवरतन के साथ घोसी के नए नए विधायक बने सुधाकर सिंह भी मौजूद थे और पार्टी के तमाम और भी नेता अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ में पहुंचे थे, लेकिन महफिल नवरतन के नाम रही। आपको बता दें कि घोसी जीतने के बाद सुधाकर सिंह जहां भी जाते हैं उनका शानदार स्वागत किया जाता है। ऐसे में सपा खेमे में खुशी का माहौल है, जश्न और अभिनंदन समारोह जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की अध्यक्षता में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सुधाकर सिंह कार्यकर्ता और सपा नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। घोसी की जीत से गदगद अखिलेश यादव ने विजयी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बधाई दी। उन्होंने सपा की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और घोसी वासियों को दिया। विजयी प्रत्याशी सपा कार्यकर्ता और घोसी के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि घोसी की जीत महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। परेशान जनता ने साइकिल पर मोहर लगाकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव दारा सिंह चौहान सपा के टिकट पर लड़ रहे थे। 22,000 मतों से चुनाव जीतकर दारा सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे थे। दारा सिंह चौहान की हार से एनडीए खेमे में मायूसी है। घोसी उपचुनाव के मैदान में अखिलेश यादव ने उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। एनडीए के लिए घोसी की सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री, विधायक और गठबंधन की फौज ने दारा सिंह चौहान के पक्ष में मोर्चा संभाला। सपा ने चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था। सुधाकर सिंह बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से मात देकर विधानसभा का सदस्य बनाने में सफल रहे। ऐसे में अखिलेश यादव ने उनका अभिनंदन किया और लखनऊ में मिलने के लिए बुलवाया था। सुधाकर सिंह के साथ ही पार्टी के और भी नेता पहुंचे थे। सभी ने इस मौके पर जहां पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प लिया तो साथ ही ये भी दोहराया कि अब की बार मोदी को हराकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।